लाइफ में अगर आपको सोचा प्लान कैंसिल हो जाए तो कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए और कुछ अच्छा सोच के रखा हो। बस यही सोच के आप आगे बढ़ते रहो। लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि मंजिल की राहों पे चलो या अपनी राहों में मंजिल बनाते चलो। मंजिल की राहों में चलो या अपनी राहों में मंजिल बनाते चलो। मेरा प्लान था जोधपुर जाने का, पर हाल की पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से वहां 3 दिन के लिए सब कुछ बंद है, तो मुझे मेरी ट्रिप कुछ और दिनों के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। तो मैंने सोचा तब तक और कोई जगह पे एक्सप्लोर करते हैं। आज का जो मेरा प्लान है, आज मैं एक ऐसी प्लेस पे जा रहा हूँ जो एक हिस्टोरिकल भी है और साथ में नेचर ब्यूटी से भरी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंहद्री के माउंटेन रेंज में सी लेवल से 1200 फुट की हाइट के ऊपर आया एक हिल स्टेशन जिसका नाम है अजमलगढ़। ये बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस है और साथ में हिल स्टेशन भी है, और ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट के वासदा का जो गोड़माल गांव है उसके नज़दीक आया हुआ है। तो आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ और उसको ही एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वाह, ये तालाब में कमल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलो रुकते के तो थोड़ा शॉट लेते हैं। लोगों से बात करते करते कब पहुंच गया पता ही नहीं चला, ये अजमलगढ़ आ गया है। यहाँ तक आने का जो रास्ता था ना, वो लास्ट में बहुत ही खड़ी और तीखी चढ़ाई थी। पहले जब मैं बहुत सालों पहले मैं यहाँ पे आया था, तब यहाँ पे ऊपर आने का तक का रास्ता नहीं था। आपको व्हीकल नीचे छोड़ना पड़ता था और फिर आप ऊपर आ सकते थे पैदल, मगर आज ऊपर तक आप गाड़ी लेके आ सकते हो। अजमलगढ़ एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में, और इन्होंने यहाँ को इको टूरिज्म के तौर पे डेवलप किया है, और यहाँ से जो आसपास के नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। सेंचुरी में जब पारसी लोग ईरान से संजान बंदर पे आए थे, तो वो उनके साथ अपना पवित्र अग्नि ईरान से अटास भी साथ में लेके आए थे, और उस अग्नि की रक्षा के लिए वो वासना के उस टाइम के जो राजा थे कीर्तिदेव सिंह, उनकी शरण में आए थे, और उन्होंने इनको यहाँ पे शरण दिया था, और वो 14 साल तक वो अग्नि को यहाँ पे छुपा के रखा था, उनकी रक्षा की थी, और उसकी याद में आज भी यहाँ पे एक स्मारक बना है जो वो अग्नि की याद में पारसियों का एक बहुत अच्छा स्मारक है।
फारसी लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही मीठा बोलने वाले और बहुत ही शांत नेचर के होते हैं, और ये उनका ही धार्मिक स्थल है जो आप ये संबी देख रहे हो वो पारसी लोगों का है, और ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। मराठा शासन के दौरान अजमलगढ़ का उपयोग महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गेरिला वॉर के लिए छावनी के रूप में किया करते थे। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो शिवाजी महाराज के आराध्य देव थे भगवान शिव जी, इनका प्राचीन मंदिर भी यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है और बहुत सारे छोटे छोटे वाटर पॉन्ड भी है, और आपको पाश्चात्य संस्कृति के कुछ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। केवस्ती तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली बोला जाता है कि जो अग्नि थी पारसियों की वो केव्स में छुपा के रखी थी, और केव्स तक जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ है, और मानसून की सीजन की वजह से ये थोड़ी स्लिपरी हो चुकी है। बहुत ही कम अपने पास बची ऐसी नेचुरल प्लेस, प्लीज़ इसको गंदा मत करो। ऐसी प्लेस पे आप जब भी जाओ, कुछ भी रैपर या कुछ भी हो, अपने साथ वापस लेते जाओ, क्योंकि यहाँ पे गंदगी करना बहुत ही गंदा है। ये पर्यावरण को भी बहुत नुकसान कर रहा है, और ये इतनी अच्छी प्लेस को भी इतना नुकसान कर रहा है। ये नेचर से इतनी खूबसूरत प्लेस है और प्लास्टिक डाल के हम इसको गंदा कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो। लोगों को समझना चाहिए कि यार इतनी अच्छी प्लेस है, उसको हम साफ रखें, और ये पर्यावरण को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मैं सबको विनती करता हूँ कि ऐसी कोई भी आप नेचर प्लेस पे आओ, कभी कोई भी चीज़ पीछे मत छोड़ो। बोला जाता है कि नेचर प्लेस पे आप जब भी जाते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ पीछे छूट जाती है, वो है आपके कदमों। आपके कदम के जो निशान होते हैं वही छोड़ के, आपके फुटस्टेप छोड़ के ही आपको आना है, बाकी हर चीज़ आपके साथ लेते चलो। जंगल में 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद रास्ता नहीं मिला, रास्ता भटक गए। तब जाके किसी को पूछा, एक भैया मिले, तो पता चला कि केव सिर्फ 300 मीटर ही दूर थी, और हम लोग खाली फोकट 1.5 किलोमीटर आगे निकल गए, अभी वापस जा रहे हैं। यही है वो केव्स जिसके अंदर पारसी लोगों का जब पवित्र अग्नि था उसको 14 साल तक संभाल के रखा गया था, और आज वो अग्नि वलसाड़ के पास जो उदवाड़ा गाँव है, जो पारसियों का बहुत बड़ा धार्मिक प्लेस है, वहाँ पर रखा गया है मंदिर के अंदर। जब भी वैकेशन आने की टाइम होता है ना, तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कहाँ जाए, दुबई जाए, यूरोप जाए, मनाली जाए। ऐसा क्यों? हम ऐसी प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे आसपास अगर नज़र दौड़ाओगे ना तो बहुत सारी अच्छी प्लेस है, जैसे ये सब है। आप एक्सप्लोर करोगे ना करो, मैं तो ऐसी हर प्लेस को एक्सप्लोर करता ही रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुसाफिर द ट्रैवलर सागर ठाकर। मेरे दोस्त ऐसे भी है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलो।